टाटा की एक ऐसी माइक्रो एसयूवी जिसको बनाते वक्त टाटा की इंस्पिरेशन थी राइनो। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जब टाटा की इंस्पिरेशन राइनो है तो गाड़ी कितनी ज़्यादा सॉलिड होने वाली है। जी हाँ, हम बात करें टाटा HBX के बारे में, और टाटा ने इसका एक ऑफिशियल वीडियो भी लॉन्च किया है जिसमें बताया गया है कि इसका जो नाम है वो पंच होने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतर लग रहा है। लेकिन जो इसका नाम HBX या हॉर्नबिल होने वाला था, शायद ये नाम ज़्यादा बेहतर लग रहे थे। लेकिन और आप एक फ़ोटो राइनो की टाटा HBX के स्टीयरिंग व्हील पे भी आप देख सकते हैं, जो कि ऑटो एक्सपो 2020 में दिखाया गया था। तो चलिए बात कर लेते हैं इस गाड़ी की सेफ्टी के बारे में। तो लेकिन इस गाड़ी में आपको मिलने वाला है अल्फा आर्क प्लेटफॉर्म, जो टाटा की अल्ट्रोज में आता है। और जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि टाटा अल्ट्रोज को ग्लोबल एनकैप में 5 में से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये गाड़ी कितनी ज़्यादा बेहतर होने वाली है अपने सेगमेंट के हिसाब से। और इसका सीधा मुकाबला महिंद्रा की KUV100, मारुति की इग्निस और मारुति की एस्प्रोसा से हो सकता है। अगर टाटा पंच को ग्लोबल एनकैप में 5 में से 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलती है तो भी ये कार अपने सेगमेंट की बेस्ट माइक्रो SUV बन जाएगी। टाटा पंच के अंदर आपको 90 डिग्री डोर मिलने वाले हैं, जिससे कि आपको अंदर बाहर आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये SUV थोड़ी छोटी होने वाली है, इसलिए इसके अंदर आपको 90 डिग्री डोर दिए हुए हैं। और अब बात करें इस गाड़ी के लुक्स के बारे में, तो इस गाड़ी की लुक्स अभी को सफारी और हैरियर की तरह होने वाली है, जिसमें आपको 2 पार्ट्स में डिफरेंट लाइट्स मिलती हैं और जिसमें आपको मोटा सा बम्पर मिलता है। और अब बात करें इसके साइड प्रोफाइल, तो साइड प्रोफाइल में आपको 15 से 16 इंच के इसमें आपको अलावे मिल जाएंगे टॉपेंस वेरिएंट में। और इसके अंदर आपको पीछे डोर हैंडल्स बिल्कुल मारुति की स्विफ्ट वाला ही मिलने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतर लगता है। और इसमें पीछे आपको एरो शेप लाइट मिलती है, जो कि टाटा के सिग्नेचर में दर्शाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतर लगता है। और इस गाड़ी का जो इंटीरियर है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। इसके अंदर आपको अल्ट्रोज वाला 7 इंच का टच स्क्रीन मिलने वाला है, और इसके अंदर आपको एरा कार कनेक्टिविटी मिलेगी, और इसके अंदर आपको डिजिटल और अनलॉक वाला दोनों ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। इसके अंदर आपको हारमन का ऑडियो सिस्टम मिलने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेहतर होने वाली है। इसके अंदर आपको 4 स्पीकर मिलेंगे और 4 ट्विटर, क्योंकि इस गाड़ी का साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा होने वाला है, इसलिए शायद इसलिए इसके अंदर आपको रियर AC विंड्स ना मिलें। और अब बात कर लें इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इस गाड़ी के अंदर आपको 1.2 लीटर का 85 BHP वाला पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, जो 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आपको मिलेगा। दूसरा मिलने वाला है टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसके अंदर आपको 108 BHP की पावर देखने को मिल सकती है। और अब बात कर लें इसके प्राइस की, तो कुछ ह्यूमर्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि इसका जो प्राइस है वो 5 लाख से स्टार्ट होने वाला है और 7.5 लाख रुपए तक हो सकता है। और अब बात कर लें इस गाड़ी के डायमेंशंस के बारे में, तो इस गाड़ी की लेंथ है वो होने वाली 3840 mm, और इसकी जो विड्थ होने वाली है वो होने वाली है 1822 mm की, इसकी जो हाइट है वो होने वाली है 1635 mm की। उसका जो व्हील बेस होने वाला है वो होने वाला है इसका 2405 mm का। और अब बात कर लें इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस 185 mm की हो सकती है, जो कि थोड़ी बहुत बेहतर है। आप चाहो तो ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे इसको ले सकते हो, काफ़ी हद तक थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना।